हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो वन मार्क्स के मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और अब वन मार्क्स के करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे फोर मार्क्स, सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन, और भी सारे चैप्टर्स को हम इसमें कवर कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने अलग अलग जगह से उठाए हैं और एक बुक में लिखे हुए हैं ये। ठीक है, एक बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से हम आपको ये क्वेश्चंस बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इन द लूकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये टेस्ट इज आपके में बहुत सारे आते हैं, तो टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो अल्कोहल के साथ जब हम HCl को मिलाएंगे और उसकी हम रिएक्शन कराते हैं जेड एन सी एल टू से, मतलब एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल क्लोराइड बनता है। क्या OH यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू इज डिहाइड्रेजिंग एजेंट एंड एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। दिस एनेबल्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई इज द प्रोपेनल हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, बॉइलिंग देन ब्यूटेन। ठीक है, ये आपको रीज़न बताना है इसका। प्रोपेन वनॉल इज अ एंड ब्यूटेन आर दी कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स, मासेस 60U एंड 58U रिस्पेक्टिवली, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज हायर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट बन रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हायर क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इन द मॉलिक्यूल्स। हाउ एवर इट नॉट प्रेजेंट इन द ब्यूटेन, ब्यूटेन में ये प्रेजेंट नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्यूटेन में प्रेजेंट नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। द ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज आर वीक वैन डर वाल फोर्सेज, देयर वर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल 391 के इज मोर देन द ब्यूटेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें एक OH होता है, पोलर OH होता है, किस में होता है, प्रोपेनॉल में। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम भी देख लीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन ईथर प्रपोज डाइपोल मोमेंट इवन इफ द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट आर आइडेंटिकल, एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईथर इज बिकॉज ऑफ देयर बेंट स्ट्रक्चर इन विच O बॉन्ड C बॉन्ड एंगल इज नियरली 110 डिग्री। नाउ द बॉन्ड पोलरिटी डू नॉट कैंसिल इवन इफ इट दी alkyl group are the same, therefore an ether has always a specific dipole moment values। ये आपको explain करके आपको लिखना है, one marks के question है तो आपको थोड़ा बहुत जरूर लिखना है। उसके बाद question number 4 देखिए, give the structure of 1,1-dimethoxymethane and 2-ethoxy-1,1-dimethylcyclohexane। ये question मैं आपको वो बता रहा हूँ जो question आने की expectation, मतलब important chances है। ठीक है, chances है, इन question को आने के बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो इसका आप देखिए, 1,1-dimethoxymethane आपको बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप पहले स्ट्रक्चर इसका वो देख लीजिए, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और उसके बाद देखिए 1,1-dimethoxymethane यहाँ पे हो गया, 2-ethoxy-1,1 का तो ऊपर आपने बना दिया CH3O CH2O CH3, और उसके बाद 2-ethoxy-1,1-dimethylcyclohexane आपने यहाँ पे बना दिया। डायग्राम आप देख लेना, मस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, हाउ वुड यू कन्वर्ट फ्रॉम इथेनॉल टू इथेन। ये कन्वर्जन आपके में आ सकते हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, हाउ वुड यू कन्वर्ट फ्रॉम इथेनॉल टू इथेन, इथेनॉल टू इथेन आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो आपने एक इथेनॉल लिया CH3CH2OH और उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब आप मिलाओगे, आपको पता है तो क्या बनता है, इथेन बनता है, CH2CH2 बनता है प्लस H2, और यही हमसे पूछा था। तो हमको बताना है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे 443K पे, तो यहाँ पे हमारे पास इथेन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना था, और इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लिख देना कि ऐसे ऐसे प्रोसेस हुई है। ठीक है, वन मार्क्स का क्वेश्चन है, हालांकि इतना लिखना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डाइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। क्वेश्चन में ये काफ़ी बार आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइथाइल ईथर क्यों रिएक्ट नहीं करता है सोडियम के साथ। डाइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बिकॉज डाइथाइल ईथर डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव
हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन लाइक एल्कोहल एंड फिनॉल. एल्कोहल एंड फिनॉल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है, वो हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव होता है. बट इन डाइथाइल ईथर ऐसा कोई हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होता है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो ये इसका रीज़न था, ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस, इसका आपको देखना है. तो सबसे पहले देखना है टू पे, अगर आप OH को मेन ग्रुप मान के चलो तो यहाँ पे टू पे और फाइव पे, टू पे जैसे यहाँ पे देखो अगर वो टू पे CH3 है नीचे वाला, तो थ्री फोर फाइव पे फिर एक CH3 है, टू फाइव पे क्या है डाई मिथाइल है और ये क्या है एक फिनॉल है. हमने फिनॉल माना और उस पर जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उनको डिनोट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज़ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिंग आउट. ये जो कन्वर्जन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कन्वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था, हाउ इज़ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. मिथाइल के साथ मैग्नीशियम है और ब्रोमाइड है, ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया. इससे हमको कन्वर्ट करना है टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल्स. ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसको हमने क्या करा दी, इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3C से OMGBr और CH3CH3, इसकी हमने रिएक्शन करा दिया. सबसे पहले रिएक्ट करके ये क्या था CH3MgBr की रिएक्शन क्या देती थी, CH3CO CH3 से इसकी रिएक्शन कराई है. तो उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी ये हमने बना दी है, यहाँ पे आपको दिखाया. अगर हम इसकी रिएक्शन H2O H+ से करा देते हैं तो यहाँ पे जो Mg+Br- था ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, हमसे यही पूछा था. ठीक है, एक बार इसका आप पहले क्या कराओगे, इसका CH3COCH3 से कराओगे तभी आपका आगे रिएक्शन होगी. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी और ऐसे क्वेश्चंस की सारी वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको लगा है कि आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.